भारत की T20 क्रिकेट स्पर्धा इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो गई है। ये नीलामी चेन्नई में चल रही है, जिसमें कुल 61 खिलाड़ियों की बोली लगी। हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं IPL 2021 ऑक्शन के सबसे महंगे बिके खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने IPL की नीलामी में इतिहास रच दिया। 33 साल के मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल सबसे महंगे बिके। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी गई थी। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा। और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉय रिचर्डसन को पंजाब ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइस 1.50 करोड़ था। वहीं स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.2 करोड़ रुपए में खरीदा। उनके बाद इवी लेविस की बोली लगी। उनकी बेस कीमत 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन उन्हें भी किसी ने नहीं खरीदा। एरोन फिंच, जिनकी शुरुआती कीमत 1 करोड़ रखी गई थी, उन्होंने भी किसी भी टीम का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा और वो भी नहीं बिके। और उमेश यादव को उनके बेस प्राइस पर 1 करोड़ रुपए में खरीदा। उनमें दिल्ली के अलावा किसी और टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। IPL 2021 की सभी टीम्स के खिलाड़ी और बाकी दूसरी अन्य अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।